महिलाओं की बीमारियां और शताब्दी। आपने एक चीज जरूर सुनी होगी, हर जगह पे ये बोलने मिलता है कि महिलाओं की कोई भी बीमारी हो ना तो शतावरी ले लो। क्यों? क्योंकि शतावरी टॉनिक है और महिलाओं की सभी बीमारियां ठीक हो जाएगी, हार्मोनल इम्बैलेंस वैलेंस ये सब ठीक हो जाएगा। और ये सुन के कई सारी महिलाएं रेगुलर शतावरी खाती भी है, पर क्या आयुर्वेद की नजरों से सच में सभी महिलाओं को शतावरी खानी चाहिए? या शतावरी क्या सभी तरह के हार्मोनल इम्बैलेंसेस को सच में ठीक कर भी देती है? कई सारे लोगों को इस तरह के डाउट है। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि भाई शतावरी किन महिलाओं को खाना चाहिए और किन्हें नहीं खाना चाहिए, और सभी महिलाओं के लिए शतावरी अच्छी नहीं होती। जी हाँ, पूरी की पूरी जानकारी इस वीडियो में। अभी कुछ दिनों पहले टीवी पर एक प्रोग्राम आ रहा था और मैं ऐसे ही आकर देखा, घर वाले टीवी पे प्रोग्राम देख रहे थे और उसमें योगा कम आयुर्वेदा एक्सपर्ट कोई व्यक्ति थे जो लोगों को व्यायाम करा रहे थे सुबह 8 बजे, और उन्होंने एक बहुत जोरदार कमेंट मारा। टीवी पे फोन आया और सवाल पूछा गया कि महिलाओं को ये तकलीफ है तो क्या करे, और उन्होंने जोश में आके कुछ योग के नाम बोले और उसके बाद डायरेक्ट बोल दिया सभी महिलाओं को शतावरी खाना चाहिए। क्यों खाना चाहिए? क्योंकि वो हार्मोनल इंबैलेंस ठीक कर देता है, तो भाई सभी महिलाएं शतावरी खाओ, ऐसा उनका कहना था। पर क्या योगा कम आयुर्वेदा एक्सपर्ट ज्यादा लोगों की, ऐसी बहुत सारी लोग जो एडवाइसेस देते मिलते हैं आयुर्वेद के नाम पे कि महिलाओं के लिए शतावरी, क्या वो सच में सही भी है? चलिए जानते हैं। सबसे पहले किसी भी दवा का क्या इफेक्ट या एक्शन होगा ये जानने के लिए उसके गुण जानना इंपॉर्टेंट है। अगर उसके गुण ही नहीं पता होंगे तो वो शरीर पर जाकर क्या काम करेगी हमें कैसे पता होगा? तो सबसे पहले अगर आप भाव प्रकाश पढ़ेंगे तो उसमें ये बोला गया है कि भाई ये जो शतावरी औषधि है ये शीत है, ठंडी है नेचर में, गुरु है, हैवी है नेचर में, और इसे आयुर्वेद में बल वर्ण कृत कहा गया कि भाई ये ताकत बनाएगी और आपका जो फेस वेस का कलर है उसे इंप्रूव करने में मदद करेगी। फिर एक शब्द आया है सुस्निग्धा, भाई ये स्निग्ध गुण वाली है, ठीक है, शरीर में जाके स्निग्धता चिकनापन पैदा करने का काम करेगी। और बाद में इसे शुक्रल कहा है, शुक्र को बढ़ाने वाली, और आगे केशा कहा है, बाल के लिए अच्छा कहा है। एक शब्द और वो आगे भाव प्रकाश में मेंशन करते हैं, पित्त अनिल अश्रजित। पित्त अनिल मतलब वात, अश्र मतलब रक्त, इसको ठीक करने वाली या इनपे ज्यादा काम करने वाली औषधि है। या इन सभी का अगर हम टोटल विश्लेषण देखेंगे तो शतावरी एक ऐसी औषधि है जो कि वात और पित्त को कम करती है और शरीर में कफ का श्राव करने वाली, या जो कफ का क्लेदन होता है या गीलापन जो होता है वो गीलापन बढ़ाने वाली औषधि है। ठीक है, क्लियर। चलो अब ये शतावरी किसके लिए यूजफुल होगी? तो ये उनके लिए यूजफुल होगी जिन महिलाओं का नेचर या तो वात पित्त वाला है, मतलब बहुत गर्म नेचर है, बहुत सूखा शरीर रहता है, या वात पित्त की बीमारियां हैं। वात पित्त की बीमारियां मतलब मासिक धर्म में बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है, या शरीर एकदम सूखा पतला सा है, बहुत जल्दी गुस्सा आता है, बहुत पतला कमजोर शरीर है, या जिनको बहुत ज्यादा ठंडी लगती है, इस तरह वात और पित्त की बीमारियां हैं और उसमें कोई भी हार्मोनल इंबैलेंस हुआ है, तब शतावरी बहुत अच्छी है। बट शतावरी क्या करती है? गीलापन एक्स्ट्रा बढ़ाती है बॉडी शरीर में। तो आप सोचिए कोई ऐसी महिला है जो कि दिन में सोती है, रेगुलर दही या दूध ऐसी चीजें खाती है, जिसको ऑलरेडी बॉडी में मोटापा है, वजन बढ़ा हुआ है, एक्स्ट्रा फैट है, जिनको खाना हजम नहीं होता है, या फैटी लीवर जैसी कुछ प्रॉब्लम है, या ज्यादा वजन के कारण बॉडी में पीसीओडी जैसी प्रॉब्लम है, या डायबिटीज जैसी प्रॉब्लम है, या स्किन का कोई ना कोई इश्यूज है, ऐसी महिला अगर ये सोच ले कि भाई शतावरी तो सबके लिए टॉनिक है और टीवी पे बोला जाता है तो खाना चाहिए, तो ऐसी महिला जिसकी बॉडी में ऑलरेडी कफ की चीजें बढ़ी हुई हैं और कफ के कारण होने वाली जो बीमारियां हैं या ऑलरेडी मोटी है, वो शतावरी खाएगी तो क्या होगा? अगर वो महिला शतावरी खाएगी तो उसकी और बीमारियां बढ़ जाएगी या उसकी और प्रॉब्लम्स ज्यादा हो जाएगी। अगर मल में चिकनापन आ रहा है, मोटी महिला या पतली महिला कोई भी हो, अगर वो शतावरी खाएगी तो उसका और मल का चिकनापन बढ़ जाएगा। हाइपोथायरॉयडिज्म के कारण वजन और बढ़ता जा रहा है, शतावरी खाएगी तो वो और बढ़ जाएगा, फैटी लीवर है तो और वो बढ़ जाएगा, तो वो उल्टा उसका इलाज नहीं हो रहा है, वो बॉडी का सत्यानाश कर रही है ये सुन के कि भाई शतावरी सभी हॉर्मोन्स ठीक कर देती है। तो ये आयुर्वेदा नहीं है, ऐसे किसी भी तरह का सलाह का पालन मत कीजिए, आपको नुकसान ही होगा। तो शतावरी जैसी जो मेडिसिन है ये उन महिलाओं के लिए ज्यादा अच्छी है
जो कि वातपित्त की बीमारियों से परेशान हैं, बहुत ज्यादा पतली हैं, कमजोर हैं, बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ था, शरीर सूखता जा रहा है, या मेनोपॉज होने के बाद वजन एकदम घटता चला जा रहा है, या फिर डिलीवरी के बाद मिल्क नहीं आ रहा है, बॉडी में डीजनरेशन ज्यादा हो रहा है, बॉडी को नरिशमेंट देना है, धातुएं बढ़ानी है, तब शतावरी बहुत अच्छी रहेगी। बट अगर शरीर मोटा है, वजन ज्यादा है, फैटी लीवर, डायबिटीज, हाइपोथायरिज्म, बॉडी में गांठे हैं, एक्स्ट्रा चर्बी बढ़ी हुई है, कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा है, ऐसे में आप शतावरी खाएंगे तो शतावरी आपको नुकसान करेगी। तो शतावरी सभी महिलाओं के लिए अच्छी है, ये बात टोटली फैक्ट या फिर गलत है। इस वीडियो का रेफरेंस था भाव प्रकाश, आप भाव प्रकाश संहिता में जाकर चेक कर सकते हैं, उसके श्लोक का भी जो रेफरेंस है उसे हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। ये रिव्यू या ये वीडियो आपको कैसे लगा? आप में से कई सारे लोगों ने बोला था कि हर औषधि का कुछ विशेष विश्लेषण करके बताइए, जो कि कॉमन आजकल बोली जाती है, तो उसी आप लोग के रिक्वेस्ट पर ये वीडियो था। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके जरूर बताइए। इसी आधार पे और आपके कौन से ऐसे नॉर्मल डाउट है जो कि आप बहुत बार सुनते हैं बट आपको डाउट रहता है कि क्या ये सच में आयुर्वेद के हिसाब से सही है भी कि नहीं, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपके कमेंट के आधार पर हम उस टॉपिक पे वीडियो बनाते रहेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।